और बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का गृह श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज श्रावस्ती जिले में बहुत ही भयंकर ठंडी है और आज सकट का त्यौहार भी है, तो त्यौहार जो है पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। जो जहाँ पर है वो वहीं पर है, कोई कहीं पर पहुँच नहीं रहा है। इतनी भयंकर ठंडी में कोई नातेदारी रिश्तेदारी में नहीं जा रहा है। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के एक गांव में, जहां पर त्यौहार की खुशियां पूरी तरीके से मातम में बदल चुकी हैं। दरअसल इस घर का एक 12 वर्षीय लड़का सरयू नहर में डूब गया है, जिसकी लाश 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सरयू नहर से बाहर नहीं निकली है। कल से ही गाँव के लोग, परिवार के लोग तलाश में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी घटना के बारे में एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें। श्रावस्ती जनपद का नवीन माडन थाना क्षेत्र है। नवीन माडन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बगही गांव। बगही गांव के पास में ही सरयू नहर निकला हुआ है, जो सीधा बलरामपुर की तरफ जाता है। तो एक लड़का जो पड़ोसी जनपद गोंडा के इटियाटोक थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनियापुर कला गाँव से अपनी मौसी के यहाँ बगही गाँव में आया हुआ था और साइकिल लेकर के गाँव में टहलने के लिए चला गया था, तभी जो सरयू नहर के ऊपर ये पुल बना हुआ है, इस पुल की एक रेलिंग टूटी हुई थी और उसको पता नहीं चला क्योंकि लड़का बाहरी था, और अचानक से उसका पैर जो है फिसल गया और देखते देखते वो सरयू नहर में गिर गया। कल दिन में 1:30-2 बजे के करीब में ये घटना हुई है। उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं। कल से ही कृष्ण कुमार की तलाश करवाई जा रही है और अभी तक उसकी लाश सरयू नहर से बाहर नहीं आई है। परिवार के लोग, गांव के लोग, प्रशासन के लोग, सब लोग यहां पर मौजूद हैं। और वो रेलिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज यहां पर जो है बांस बल्ली लगा करके सपोर्ट को रोका गया है ताकि जिस तरीके से हादसा कल हुआ है उस तरीके का हादसा आज फिर से ना हो जाए। कहते हैं कि जब कोई घटना घट जाती है तभी लोगों को एक सीख मिलती है। अगर पहले से यहाँ पर सावधानी बरती जाती, पहले से लोग सतर्क होते, तो शायद एक लड़का आज जिंदा होता। जानकारी मिली है तकरीबन 1 साल से ये पुल का रेलिंग टूटा हुआ है। हालांकि जो इस गांव के लोग हैं वो तो अच्छी तरीके से जानते थे कि पुल का रेलिंग टूटा हुआ है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो उसको कैसे पता चलेगा। अगर 1 साल पहले ही यहाँ पर बांस बल्ली बांध दिया जाता तो शायद आज एक लड़का जिंदा होता और वह हमारे बीच में होता, और आज जिस तरीके से सकट का त्यौहार होना था इनके घर में अच्छे तरीके से त्यौहार होता, लेकिन त्यौहार तो पूरी तरीके से मातम में बदल गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो रेलिंग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पुल का रेलिंग है, इधर से तो पूरा बना हुआ है लेकिन आगे जा करके यहाँ पर जो है रेलिंग टूट गई और यहीं से लड़का नीचे सरयू नहर में गिर गया। हालांकि कल खबरें चलाने के बाद में गांव के लोगों ने यहाँ पर बांस बल्ली बांध दिया है ताकि फिर से ऐसी घटना ना घट जाए। जैसा हमने आपको बताया कि जब कोई हादसा हो जाता है तभी हम लोग सावधान सतर्क होते हैं। अगर पहले से लोग होशियार रहते, पहले से लोग सावधान रहते और इस गांव के बच्चों का ख्याल होता अगर लोगों को, तो पहले से ही यहां पर बांस बल्ली बांध दिया जाता तो शायद इस तरीके की घटना ना होती। तो कल जो है स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी तलाश किया गया सरयू नहर में। पुलिस वहां पर मौजूद थी और गाँव के जो लोकल गोताखोर हैं उनके द्वारा सरयू नहर में जाल डाला गया। तकरीबन 3-4 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया लेकिन कल कहीं से बॉडी बरामद नहीं हुई। ये आशंका जताई जा रही थी कि 24 घंटा 48 घंटा बीत जाने के बाद में जब उसकी लाश फूल जाएगी तो वो अपने आप सरयू नहर में बाहर आ जाएगी, लेकिन इस वक्त 26 घंटा बीत चुका है। चूंकि भयंकर ठंडी है, ऐसे में हो सकता है कि 36 घंटे का समय लग जाए। 36 और 48 घंटा जब हो जाता है तो बॉडी अपने आप जो है फूल जाती है, फूलने के बाद बॉडी ऊपरी सतह पर आ जाती है, उतराने लगती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आज मदद मिली है। कल ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने खबर दिखाई थी कि शासन प्रशासन की तरफ से ना ही कोई गोताखोर मंगाया गया है और ना ही कोई टीम आई है रेस्क्यू करने के लिए। खबर का असर देखा गया है यहां पर रातों रात जो है, जब ये खबर चली है तो जिलाधिकारी ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया है और तत्काल जो है रेस्क्यू करने के लिए गोरखपुर से SDRF की टीम बुलवाई गई है। यहाँ पर SDRF की जो टीम है उसके साथ में जो गोताखोर आए हैं वो इस वक्त सरयू नहर में तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ भी सफलता नहीं लगी है। सुबह 8 बजे से ही रबड़ बोट की टीमें इस सरयू नहर में तलाश कर रही हैं लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो श्रावस्ती का नवीन माडन थाना है, श्रावस्ती का नवीन माडन थाना का शायद ये आखिरी गांव होगा। इसके आगे जो एक पुल पड़ता है
और उसके आगे बस बलरामपुर जिला लगने लगता है। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि क्या गलती हुई है। इसी तरीके का श्रावस्ती जिले में बहुत सारे पुल हैं जो टूटे हुए हैं और किसी न किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। जो विभाग है सरयू नहर खंड का जो विभाग है जिसके भी अंतर्गत आता है, उसको कम से कम एक बार सर्वे करना चाहिए कि जो पुल हम बना करके गए हैं वो पुल ठीक ठाक है या नहीं है। अगर विभाग एक बार आकर के सर्वे कर ले तो हमारे ख्याल से श्रावस्ती जिले में लगभग एक दर्जन पुल ऐसे होंगे जिनकी रेलिंग टूटी हुई है। तो ये तकरीबन आधा घंटा हम यहाँ पर खड़े थे, आधा घंटा बीत चुका है और आधा घंटा के बाद में SDRF की जो रबर बोट की टीम है वो तलाश करके खाली हाथ वापस लौट रही है। लगभग 2 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया है लेकिन कहीं से भी कृष्ण कुमार की बॉडी उतराते हुए नहीं मिली है। और अब चूंकि SDRF की टीमें वापस लौट आई हैं और यहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर से तलाश किया जाएगा। कल आपने देखा कि सरयू नहर में बिल्कुल ही पानी नहीं था और आज रातों रात इस नहर में पानी आ गया है। अब तो ऐसी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कृष्ण कुमार की जो बॉडी है वो हमारे श्रावस्ती में नहीं बल्कि हो सकता है कि बलरामपुर जनपद में जाकर के निकले। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था आज के 4-5 महीना पहले, भलुया दसौंधी पर पति पत्नी ने झगड़ा कर लिया था तो पति ने जो है सरयू नहर में छलांग लगा दी थी। उसकी बॉडी भलुया दसौंधी से बहते हुए अकबरपुर नहर और अकबरपुर से बहते हुए हमारे भरिया उसके बाद में इस पुल पर जहां पर हम खड़े हैं यहां पर पहुंची थी लेकिन किसी के हाथ लगी नहीं थी और देखते देखते वो बलरामपुर जनपद के उतरौला कोतवाली में पहुंच गई थी। तो इतना लंबा सफ़र उसने तय कर दिया था, पहले भी ऐसा लगता था कि बॉडी कहीं आसपास होगी। तो इस मामले में वही आशंका यहाँ भी जताई जा रही है कि ये श्रावस्ती जिले का आखिरी गांव है और इसके अगर 1-2 किलोमीटर आगे चला गया होगा तो वो बलरामपुर जनपद में पहुंच जाएगा। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उस लड़के की बॉडी उतरौला पहुंच गई थी यहाँ भी उसी तरीके की पॉसिबिलिटी यानी उसी तरीके की संभावना जताई जा सकती है। तो बहुत ही दुखद घटना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर वालों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। त्योहार के दिन ही घर में मातम पसरा हुआ है, इनके मौसी पर क्या बीत रहा होगा, इनके मौसा पर क्या बीत रहा होगा। दूसरे जिले से आया हुआ लड़का श्रावस्ती में सरयू नहर में डूब जाता है, पूरे गांव के लोग इस बात को लेकर के दुखी हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो रबड़ बोट की टीम आई है सुबह से जो है इस भयंकर ठंडी में सरयू नहर के खाक छान रही है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी तक बॉडी कृष्ण कुमार की सरयू नहर में उतराते हुए मिली नहीं है। हो सकता है कि आज रात या कल दिन में 12-1 बजे के करीब अदर डिस्ट्रिक्ट में बलरामपुर जिले में हो सकता है निकले, क्योंकि ये पूरा रास्ता तो इसको जिस तरीके से, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लड़के की माताजी हैं वो गोंडा जनपद से यहाँ पहुँची हैं बगही गांव में और बार बार ये सरयू नहर पर आती हैं, बार बार ये बेहोश हो जाती है, बार बार इनको पकड़ करके लोग घर ले जाते हैं। वास्तव में एक माँ के दिल पे क्या बीत रहा होगा कि एक त्योहार से पहले ही उनका लड़का चला गया और ये बार बार उनकी माताजी उसी जगह पर पहुँचती हैं और ये पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों को यहाँ से हटाते हुए कि अभी एक हादसा हुआ है और ऐसा ना हो कि दूसरी घटना घट जाए, इसीलिए सबको पुल से दूर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। श्रावस्ती की पुलिस हमारी कल से ठंडी में परेशान है, लोगों को पुल के किनारे से दूर किया जा रहा है और आइए आपको लेकर चलते हैं हम और सीधा दिखाते हैं कि कुछ लोग जो गोंडा से आए हुए हैं और लोग कृष्ण कुमार के घर वाले वो धीरे धीरे कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि ढूंढना तो वास्तव में प्रशासन को है, गांव के लोगों को है और मुझे लगता है कि सफलता हाथ नहीं लगेगी। जब बॉडी अपने आप फूल जाएगी तो वो 36 घंटे में 48 घंटे में अपने आप बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कृष्ण कुमार की माता जी हैं एक बार फिर से बेहोश हो गई हैं, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ऑटो रिक्शा मंगाया गया था, इसके बाद में एक कार भी मंगाई गई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक माता के दिल पर क्या बीत रहा होगा इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। त्योहार तो पूरी तरीके से मातम में पसर गया है, पूरे घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है,
जो लोग गोंडा से आए हैं वो भी पूरी तरीके से बेहोश हैं, अचेत हैं, और जो जो रिश्तेदारी यहाँ पर है, जीवन लाल के घर बगही में जीवन लाल का घर है, जीवन लाल के घर ही आए थे, तो यहाँ पर उनके भी घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है कि कहाँ लड़का रिश्तेदारी में आया था घूमने के लिए, वो कहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब देखना ये होगा कि कृष्ण कुमार की बॉडी आखिरकार कहाँ किस जिले में जा कर के मिलती है। संभावना जताई जा रही है, ये देखिए इनकी माता जी हैं, इनको फिर से होश में लाया गया है और इनको गाड़ी में बिठा करके अस्पताल भेजा जा रहा है, क्योंकि बार बार जो है ये बेहोश हो रही हैं। बहुत ही गहरा सदमा लगा है इनकी माता जी के ऊपर। कृष्ण कुमार दो भाई हैं, जिसमें से एक भाई को आप देख सकते हैं जो स्वेटर पहने हुए है ग्रे कलर का, ये एक भाई है। और इनके जो पिताजी है राम गोपाल, जानकारी मिली है कि वो प्रदेश में हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, शायद उनको टिकट नहीं मिला होगा। और ऊपर से आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी भयंकर ठंडी है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल शासन प्रशासन से ये अपील करता है, यहाँ के जिलाधिकारी से ये अपील करता है कि जो श्रावस्ती जिले में जहाँ जहाँ पुल पर रेलिंग टूटा हुआ है उसका एक बार सर्वे करा लिया जाए। सर्वे कराने के बाद में उस रेलिंग को बनवा दिया जाए, अन्यथा इसी तरीके का हादसा फिर हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीता द्वार से लेकर के कटही और बगही गांव तक बीच में जितने भी फाल पड़ते हैं, जितने भी ठोकर पड़ते हैं, जहां जहां पर भी पुल बना हुआ है, जानकारी मिली है कि लगभग आधा दर्जन जगह रेलिंग टूटा हुआ है और ये किसी न किसी वजह से टूटा है। हो सकता है कोई ट्राली इधर से गुजरी हो, कोई बड़ा जो है गाड़ी इधर से गुजरा हो और टूट गया हो, तब से इसको बनवाया नहीं गया। इसी तरीके की लापरवाही अगर रहेगी तो फिर बड़ी बात नहीं कि कोई दूसरी घटना भी घट सकती है। तो इनके कुछ परिवार के लोग अब गोंडा जनपद जो है वापस जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कुमार की बॉडी अगर मिल जाती तो थोड़ा सा एक संतुष्टि हो जाता लोगों को। और ये है उनकी मौसी, जिनके घर पे वो आया हुआ था, जीवन लाल की पत्नी है ये, बगही गाँव निवासी। इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। Thank you.